सदर थाना अंतर्गत एक युवक को उधार के पैसे मांगना भारी पड़ गया। उधार पैसे मांगते ही युवक पर अन्य युवकों ने हमला कर दिया, जिसका इलाज अलवर के निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक के भाई विजेंद्र ने बताया कि डेढ़ साल पहले मेरे पिताजी ने हाकम को 15,000 रुपए उधार दिए थे। कल देर रात को मेरा भाई अनिल और उसका दोस्त चिकानी के मिधानी होटल पर खाना खाने गए थे। वहां पर हाकम बैठा हुआ था। अनिल ने हाकम से कहा कि मेरे पिताजी ने जो पैसे दिए हैं वो वापस कर दो। हाकम में उसके साथी हारू ने अनिल से अपशब्द भाषा में बात की। विवाद इतना बढ़ गया कि उन सब ने अनिल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके सर पर गंभीर चोट आई है। अनिल के परिजनों ने सदर थाने मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस मामले की जाँच करने में जुट गयी है। मेरा भाई अनिल मिंगाणी होटल पे गया था और हाकम सनफरुद्दार भी वहाँ मौजूद था मिंगाणी होटल पर। तो पापा ने उसको पैसे दे रखे थे 15,000 रुपए। तो भाई ने उससे मांगे, भाई हमारे जो उधार पैसे दे रखे हैं उनको वापस कर दो। तो वो मना करने लग गया कि मेरे कोई पैसे नहीं है। तो उसने फिर गाड़ी गलौज की, भाई चाहता भाई करे। तो होटल वालों ने हाकम ने उन पर हमला कर दिया। किसी से मिले थे? पता नहीं दौड़ से किया है या लाठी डंडों से किया है। आप कहाँ के निवासी हो? मैं चिकानी लाठीवास चिकानी का निवासी हूँ और अभी भाई मेरा हॉस्पिटल में भर्ती है। पैसे कब दिए थे? पैसे लगभग हो गए एक डेढ़ साल हो गए।